लव जिहाद का जवाब हम, मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वो लव क्रांति से दे, वो भी इसी तरीके से करें। सुना आपने, उत्तराखंड में बीजेपी अब लव जिहाद का मुकाबला लव क्रांति सेना से करेगी। उत्तराखंड में लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस तरह मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उसी तरह अब हिंदू लड़कों को भी मुस्लिम लड़कियों से शादी करनी चाहिए। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे लेकर हिंदू महापंचायत भी करेंगे। एक बार फिर सुनिए। लव जिहाद का जवाब हम, मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वो लव क्रांति से दे, वो भी इसी तरीके से करें। हम प्रथम दृष्टया इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं मिल रही है, तो इसका प्रतिकार आखिर कैसे होगा? तो हम आह्वान करते हैं कि हिंदू युवा भी करें और कानून के दायरे में करें, बालिग होकर करें, नाबालिग के दायरे में नहीं, बालिग के दायरे में करें। और मैं हिंदू समाज को जागृत करने के लिए अगर हुआ तो हिंदू महापंचायत भी करूंगा यहाँ लक्षर के। बीजेपी विधायक के इस बयान ने बीजेपी को सख्ती में डाल दिया है, क्योंकि ये ऐसा बयान है जो न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर सकती हैं, बल्कि इससे लव जिहाद के मुद्दे पर सियासत और गर्मा सकती है। लेकिन इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह दबी जुबान में उनके बयान का समर्थन करते नजर आए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने बीजेपी विधायक को भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या बोला उनसे बातचीत करके पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो रही है, और इसलिए एक षड्यंत्र है। इस तरह के षड्यंत्र अगर छद्म नामों से कोई अगर इस तरह के काम करते हैं तो उस पर तो रोक लगने ही चाहिए। शांति बरतने की जरूरत है, और विधायक समाज का एक प्रतिष्ठित पद होता है, इसलिए उसको आपको कहीं पर भी कोई गलतफहमी समाजों के बीच में हो रही हो तो उनको मिट्टी डालना चाहिए, कम करना चाहिए। सरकार की इस बयानबाजी के बीच विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधा है। राज्य के मुख्यमंत्री उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाँ ऐसा हो रहा है, इसलिए सख्त कानून होना चाहिए। भाई कानून देश, आपको देश के कानून पर विश्वास नहीं है, आपको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार से अगर विधायक सेना बनाने शुरू कर देंगे, सांसद सेना बनाने शुरू कर देंगे, तो देश में अराजकता का वातावरण होगा। लव जिहाद को लेकर बीजेपी और कई हिंदू संगठन पहले भी राजनीति करते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी बीजेपी नेता ने लव जिहाद का मुकाबला करने के लिए लव क्रांति सेना बनाने की अपील की हो। इस बयान से बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिले न मिले, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए किरकिरी जरूर हो सकती है।